पंत संप्रदाय में धर्म नहीं है जे, और ये फिर चलते क्यों हैं? ये चलते अहंकार के कारण। काय के कारण चलते हैं? अब जैसे आप एक पंत संप्रदाय में शामिल हो गए कि नहीं हुए? कोई पंत संप्रदाय में शामिल हो गए नहीं अरुण जी? है? अरे हाँ या ना तो बोलो, पक्के हो? वो खुद ही क्या बोलते, पंत संप्रदाय में धर्म नहीं। और अभी मैं कहूँ कि पंत संप्रदाय छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, हैं किसी बात करते? हमारा तो पंत संप्रदाय एवन क्वालिटी का है, दूसरे का कमजोर है, उनके यहाँ धर्म है ही कहाँ, तुम्हारे यहाँ है। तुम्हें अपना पक्का विश्वास है कि धर्म है तुम्हारे यहाँ? माने तुम भी अभी तक ये मान्यता नहीं समझ पाए कि धर्म इन जिनवाणियों में, धर्म इन मंदिरों में नहीं रखा। धर्म तो मेरी स्वयं की वस्तु है, वो मैंने अनुभव नहीं करी तो धर्म है ये संत कहाँ से आ गया? हमारा पंत संप्रदाय में सच्चा धर्म है। किस बात का सच्चा धर्म? किस बात का? पकड़ में आया? ये बात ऐसी है कि आदमी तो मर गया, लाश बची, लेकिन लाश को जला नहीं रहे, लाश को ढो रहे हैं। ऊपर होड़ लगी है कि हमारी लाश ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो व्यक्ति तो चला गया, उसमें से आत्मा निकल गई। आत्मा माने धर्म। तो जब आत्मा निकल जाती इस शरीर में से रमेश कुमार जी, तब इस शरीर को चाहे वो अपनी माँ का हो, चाहे अपने पिता का हो, चाहे अपने पुत्र का हो, चाहे अपने भाई का हो, चाहे अपनी बहन का हो, चाहे किसी का हो, उसको कितनी देर रखना पसंद करते हो? कोई कहता भी है कि तुम्हें अपनी माँ बहुत प्यारी थी, इसको जलाने क्यों जाते हो? कि जो प्यारी थी वो तो चली गई, इसमें क्या बचा? ये तो हार्ड मछली है, हड्डी मांस का पिंजड़ा है, जला उसको, इसमें क्या सोचना? ऐसे ये पंत संप्रदाय पिंजड़े हैं, इनमें से पंछी तोड़ गया। जिसने ये बात कही थी, जिसने सत्य बोला था, तो वो तो गया। अब उसके नाम पर ये सब दुकानें चलती हैं, और ये दुकानें कभी बंद नहीं होंगी, क्योंकि इन दुकानों से ही राजनीति चलती है।